हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलेशन लेक्चर नंबर 29 है और इसमें हम कर्व ट्रेसिंग का एक एग्जांपल लेने वाले हैं। यह है हमारे पास ट्रेस सोइड ऑफ डिवाइड्स y²(2a-x)=x³। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इससे प्रीवियस जो एग्जाम्पल था उसमें हमने सिंपली इसमें कुछ ही चेंज किया, जैसे y²(2a+x)=x²। इस कंडीशन में ग्राफ क्या होगा, कर्व किस तरह से होगी, यह हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब हमारे पास ये है, इस कंडीशन में ग्राफ किस तरह से होगी। तो सबसे पहले चेक करते हैं, यहां पे इसको बना लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री किसके चेक करते हैं, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी सिमेट्री चेक करते हैं। अगर सिमेट्री हमारे पास किसी के आ जाती है तो बहुत फायदा होता है। क्या फायदा होता है, इसमें हर वीडियो में बताता हूँ कि क्या फायदा होता है। वो होता है हमारे पास, अगर सपोज हमारे पास पर चल जाता है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस के जैसे ऊपर ग्राफ बन जाएगा वैसे ही कॉपी हम नीचे कर देते हैं, तो सिमेट्री से ये फायदा होता है। अगर वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है जैसे हमें फिर उसके बाद हमारे पास ग्राफ अगर हम बताएंगे इधर का ग्राफ इस तरह से बनेगा तो इधर का ग्राफ कॉपी कर देते हैं, तो यही हम कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले चेक करते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं इनकी टर्म की पावर देखते हैं। अगर पावर देखें तो फ्रेंड्स हमारे पास y² है, y की जो पावर है सभी जो पावर है वो इवन है, तो इसके ऑल पावर ऑफ y आर इवन, सो कर्व इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस। जब x y की पावर इवन है तो वो x एक्सिस की सिमेट्रिक होगा, और जब x की पावर सारी इवन हो तो वो y एक्सिस की सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो x की पावर ऑड भी है कुछ, तो इस कंडीशन में कहेंगे ये जो फंक्शन है ये x एक्सिस की सिमेट्रिक नहीं है, हमें ये पता चल चुका है। उसके बाद सेकंड पे देखते हैं हम पॉइंट ऑन एक्सिस। तो पहले सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्सिस पे पॉइंट चेक करने, यानी हम इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन वाई बराबर जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो पूरे एक्स एक्सिस पे वाई बराबर जीरो रहेगा। तो यहां से चेक करते हैं तो हमारे पास ये टर्म जीरो हो जाएगी, यानी एक्स इक्वल टू जीरो, ओनली एक्स की एक ही वैल्यू आई है जीरो। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो ग्राफ है जीरो जीरो से होकर जाएगा, यानी हमें ओरिजिन से होकर चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। इसके बाद हम चेक करते हैं कि वो ग्राफ वाई एक्सिस पे होकर कैसे जाएगा, तो वाई एक्सिस पे चेक करते हैं। तो वाई एक्सिस पे चेक करने के लिए हम पुट इन इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन वन में एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करते ही हमारे पास ये जाएगा y², ये टर्म जीरो, ये जीरो, तो 2a इक्वल टू जीरो, तो यहां से 2a को हटा सकते हैं, कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू जीरो। तो ये y एक्सिस को भी ओनली इसी पॉइंट पे काटता है, यानी यहां से पता चला कि ये x एक्सिस और y एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह काटता है, वो भी ओरिजिन पे, और कहीं पर भी ये एक्सिस को नहीं काट रहा, तो ये पता चल चुका है हमें। उसके बाद हम देखते हैं इसकी अनंत स्पर्शी या एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट चेक करने के लिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है। बेसिकली यहां से देखने पर हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है, वाई की वैल्यू इनफाइनाइट कब हो सकती है, तो एसिम्प्टोट चेक करते हैं। तो यहां से हो जाएगा y² बराबर, अगर हम पुट करना चाहें एक्स क्यू अपॉन 2a-x, अगर y² बराबर वैल्यू रखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से हम डायरेक्टली क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब एक्स की वैल्यू 2a पर जाएगी तो फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, जब x की वैल्यू 2a पे जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यानी x इक्वल टू 2a इज एन एसिम्प्टोट्स। तो ये हो गया, x जब x इक्वल टू 2a की वैल्यू, x इक्वल टू 2a जो है वो एक एसिम्प्टोट्स है, यानी x इक्वल टू 2a यहां ग्राफ पे हम पुट कर देते हैं, सपोज 2a यहां पर है तो ये हो गया x इक्वल टू 2a। अब x इक्वल टू 2a हमारे पास एक एसिम्प्टोट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन है, अब यहां पे अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू x इनफाइनाइट पे जाएगा, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो है
y की वैल्यू जो है पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएगी, क्योंकि ये y बराबर इस तरह से डिफाइन है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो y तो हमारे पास पूरे इसमें डिफाइन है, y की वैल्यू पॉजिटिव इनफिनिट भी हो सकती है, नेगेटिव इनफिनिट भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, माइनस वन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये हमें पता चल गया। अब हमें देखना है x कहां से कहां पे डिफाइन हो सकता है, तो x की वैल्यू यहीं से देख सकते हैं, y इक्वल टू हमारे पास है x क्यूब अपॉन 2a माइनस x। अब फ्रेंड्स x की वैल्यू अगर कुछ नेगेटिव है तो x की वैल्यू नेगेटिव होने के केस में हमारे पास ये टर्म जो है पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव है और ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी माइनस x, क्योंकि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म नेगेटिव, यानी x की वैल्यू नेगेटिव होने पे ये जो अंडर रूट के जो अंदर नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि हमारे पास फंक्शन की जो y की x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये हमें पता चल गया, ये x की वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, इधर वाला पार्ट नहीं आएगा। अब ये पता चल गया। इसके बाद अगर हम देखें तो x की वैल्यू अगर 2a से बड़ी हो जाए, सपोज 2a से बड़ी हो जाए, 3a हो जाए, 4a हो जाए, तो उस कंडीशन में ये तो पॉजिटिव रहेगा, बट ये टर्म जो है ये टर्म 2a से बड़ी होती है ये टर्म नेगेटिव की नेगेटिव ले जाएगी, एंड 2a माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो, तो 2a ग्रेटर देन एक्स तो हो ये 2a ग्रेटर देन एक्स, यानी या कहें एक्स लेस देन 2a हो तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तब तो हमारे पास डिफाइन है, बट अगर 2a माइनस एक्स लेस देन जीरो या 2a लेस देन एक्स या एक्स ग्रेटर देन 2a हो तो उस कंडीशन में ये वैल्यू है नेगेटिव, तो नेगेटिव की कंडीशन में ये फिर जो रूट के अंदर है वो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, यानी फिर नॉट डिफाइन दे जाएगी, तो एक्स की वैल्यू जो है एक्स इज डिफाइन 0 टू 2a, यानी एक्स जो डिफाइन है वो 0 टू 2a है, 0 पे डिफाइन है, 2a पे डिफाइन नहीं है, 2a पे डिफाइन क्यों नहीं है फ्रेंड्स, फंक्शन इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है 2a पे पहुंचते ही, तो 2a पे इनफाइनाइट नहीं, लेकिन इधर से क्लोज है, 0 पे डिफाइन है और 2a पे डिफाइन नहीं है, ये हो गया हमारे पास, यानी 2a जो है इसकी एक एसिम्प्टोट से। अब फिर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं, यानी x की वैल्यू सपोज x की वैल्यू पे ले लेते हैं a by 2, सेकंड ले लेते हैं a, ठीक है, दो पॉइंट्स ले लेते हैं, दो पॉइंट्स पे हम ग्राफ बनाते हैं और एक ले लेते हैं 3a/2, यानी 2a से छोटा, तीन पॉइंट हमने ले लिए, तो पहले पॉइंट पे अगर हम देखें वैल्यू y की, अगर a by 2 पे वैल्यू देखें हम, तो एक y बराबर a by 2 पुट करें इस जगह, तो ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन 8 अपॉन 2a माइनस x a by 2, ये तो ये हो गया हमारे पास a क्यूब अपॉन, यहां से हमने माइनस किया तो हो जाएगा 4 a माइनस a और यहाँ a क्यूब अपॉन, सॉरी इसको लिख सकते हैं हम a क्यूब अपॉन 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस a अपॉन 2, तो यहां से ये रह जाएगा हमारे पास 4, तो ये हो गया हमारे, और ये रह जाएगा 3a, तो यहां से हो गया हमारे पास रूट ऑफ a क्यूब अपॉन 3a/4, तो यहां से a से ये रह जाएगा a स्क्वायर ओनली, तो ये बच गया हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 12, या हमारे पास a बराबर रूट a प्लस माइनस और प्लस माइनस ये हो गया a, और अगर रूट ऑफ 12 निकाला है, रूट ऑफ 12 निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2√3, यानी यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू जो वैल्यू है वो a से छोटी है, क्योंकि 2√3 जो है 2√3 जो है वो 1 से काफी बड़ा है, तो यानी a by 2 तक जो वैल्यू जाएगी, सपोज यहां पे हमारे पास ये है, ये है, तो एक वैल्यू यहां तक गई है, अभी तक तो ये यहां से यहां तक गई है, जब a बराबर a पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a क्यूब अपॉन ओनली a, तो उस कंडीशन में ये वैल्यू a पे पहुंच जाएगी, यानी यहां से हम देखते हैं पहले तो ये इसके आधे पर भी नहीं पहुंची थी, जब ये x जो है ये आधा पहुंच गया था a by 2, तब तक ये वैल्यू हमारे पास इसके आधे तक भी नहीं पहुंची थी, a के आधे तक, बट जैसे ये a पर पहुंचा तो इसका जो वैल्यू है एकदम से इंक्रीज हो गया इस तरह से। अब 3a by 2 पे देखेंगे, 3a/2 पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/27 a क्यूब अपॉन 8
और यहाँ से 3a/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू ए, और यहाँ से 3a/2 माइनस कर रहे हैं 2a में से 3a/2, तो यहाँ से हमारे पास 4a और ये नीचे 2 और आ जाएगा, सॉरी ऊपर 2a पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ से 4 आ गया। ये अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आई है